और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, श्रीनगर के बेमिना इलाके में देर रात आतंकवादियों ने हमला किया और इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने घात लगाकर पुलिसकर्मियों पर हमला बोला था। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। श्रीनगर के बेमिना में ये आतंकी हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, श्रीनगर के बेमिना इलाके में देर रात आतंकवादियों ने हमला किया और इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने घात लगाकर पुलिसकर्मियों पर हमला बोला था। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। श्रीनगर के बेमिना में ये आतंकी हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, श्रीनगर के बेमिना इलाके में देर रात आतंकवादियों ने हमला किया और इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने घात लगाकर पुलिसकर्मियों पर हमला बोला था। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। श्रीनगर के बेमिना में ये आतंकी हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, श्रीनगर के बेमिना इलाके में देर रात आतंकवादियों ने हमला किया और इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने घात लगाकर पुलिसकर्मियों पर हमला बोला था। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। श्रीनगर के बेमिना में ये आतंकी हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, श्रीनगर के बेमिना इलाके में देर रात आतंकवादियों ने हमला किया और इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने घात लगाकर पुलिसकर्मियों पर हमला बोला था। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। श्रीनगर के बेमिना में ये आतंकी हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, श्रीनगर के बेमिना इलाके में देर रात आतंकवादियों ने हमला किया और इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने घात लगाकर पुलिसकर्मियों पर हमला बोला था। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। श्रीनगर के बेमिना में ये आतंकी हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, श्रीनगर के बेमिना इलाके में देर रात आतंकवादियों ने हमला किया और इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने घात लगाकर पुलिसकर्मियों पर हमला बोला था। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। श्रीनगर के बेमिना में ये आतंकी हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, श्रीनगर के बेमिना इलाके में देर रात आतंकवादियों ने हमला किया और इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने घात लगाकर पुलिसकर्मियों पर हमला बोला था। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। श्रीनगर के बेमिना में ये आतंकी हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं।